हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोहा से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मसाला डोनट्स। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कीजिए और चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे फटाफट बना सकते हैं। दोस्तों, पोहा मसाला डोनट्स बनाने के लिए यहाँ हमने एक कटोरी पोहा ले लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में, बड़े बर्तन में डाल देंगे और अब हम इसे पानी में अच्छे से धोएंगे। हमें कम से कम 2 से 3 बार इनको पानी में अच्छे से धो लेना है। दोस्तों, ये पोहा हमने 2 से 3 बार ही अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इनको आधे घंटे के लिए गलने देंगे। आधे घंटे के लिए हम इनको रख देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। दोस्तों, आधा घंटे बाद ये देखिए हमारा पोहा तैयार हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम नमक डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे हम। जीरा डालेंगे हम, लगभग 1 छोटी चम्मच जीरा है। चाट मसाला डालेंगे 1 छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हम भुना हुआ जीरा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन, जिसे हमने क्रश करके डालना है। और अब हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक ग्रेट किया हुआ डाल देंगे और ये धनिया पत्ता है, इनको भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड को हमने मिक्सी में पीस करके ये ब्रेड का चूरा बना लिया है। हम लगभग 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स इसमें डाल देंगे। और ये 2 चम्मच हम इसमें अरारोट डाल देंगे। दोस्तों, आपके पास अगर अरारोट नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। कलर के लिए हम 1 पिंच हल्दी डाल देंगे, इससे इनका कलर अच्छा आ जाएगा। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करके एक डो जैसा तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये डो हमारा तैयार है। अब हम एक प्लेट लेंगे और अपने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके और हम छोटे छोटे पेड़े लेकर के इनको एक डोनट की शेप में ऐसे बनाते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमें बना लेने हैं। हम सारे पेड़े ऐसे ही बना लेंगे। दोस्तों, ये सारे हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम एक स्टिक की मदद से इनमें हम बीच में होल कर देंगे। इस तरीके से हम इनको स्टिक की मदद से ऐसे होल करेंगे और ये बिल्कुल डोनट शेप में आ जाएंगे। दोस्तों, ये हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एक घोल तैयार कर लेंगे और हम डोनट्स इसमें डिप करेंगे। इससे पहले हम इसको घोल को एक बार चलाएंगे और हम एक डोनट उठाएंगे। इस तरीके से हम घोल में डिप करेंगे इसको और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इनको कोट कर देंगे। एक हाथ से हम घोल में डालेंगे और दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ये सारे देखिए डोनट्स हमने डिप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमने एक
पैन में ऑयल गरम कर लिया है, ये गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके एक बार में हम जितने डोनट्स सेक सकते हैं उतने डोनट्स हम सेक लेंगे। गैस हमें मीडियम रखनी है। इनको अलट पलट करके चारों ओर से अच्छे से सेकेंगे। अब ये डोनट्स हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। दोस्तों ये हमने देखिए सारे सेक लिए हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे थोड़ी देर, और ठंडा होने के बाद हम इनको एक बार फिर से सेकेंगे, फिर से इनको क्रिस्पी करेंगे। दोस्तों जब तक हमारे डोनट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक हम एक बढ़िया सी फटाफट हरी चटनी बना लेते हैं। हमने ये धनिए काट करके लिए हैं जिन्हें हमने अच्छे से धो लिया है। इनको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ पालक के पत्ते डालेंगे, इनको भी हमने अच्छे से धो लिया है। ये मिंट लीव्स डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, आधी चम्मच हम हींग का पानी लेंगे, हींग को हमने पानी में घोल दिया था, और ये हम नमकीन डाल देंगे। इससे जो चटनी है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। और हम इसमें एक बड़ा चम्मच दही डाल देंगे और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से चला लेंगे। दोस्तों ये देखिए हमारी चटनी बनकर एकदम तैयार है। देखने में ये बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी लग रही है। डोनट्स इसके साथ में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप जो चटनी है इसको इसी तरीके से बनाइएगा। हम इसको एक बोल में सर्व कर लेते हैं। दोस्तों चटनी हमारी बन गई है। अब हमारे डोनट्स भी ठंडे हो गए हैं। इनको हम एक बार फिर से तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। हमने देखिए तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे डोनट्स तेज़ आंच पर फिर से एक बार सेक लेंगे, इनको क्रिस्पी कर लेंगे। डोनट्स हमारे क्रिस्पी हो गए हैं, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। दोस्तों चटनी वही है जो हमने अभी बनाई थी, और सॉस के साथ में हम इन्हें सर्व कर रहे हैं। देखने में देखिए कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टेस्टी यूनिक नाश्ता है जो आप पोहा से बना सकते हैं, और डोनट्स के नाम से बच्चे इनको बहुत ही अच्छे से खाते हैं। ये देखिए सुनने में ही कितना क्रिस्पी है, ये बहुत ही क्रंची बना है। ये देखिए बहुत क्रंची बना है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। तो दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।